कोरोना वायरस की वजह से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र टल सकता है, ये बात खुद संसदीय कार्य मंत्री ने कही है। यहां आपको बता दें कि 16 मार्च से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और उस बीच ये खबर आ रही है कि ये सत्र टल सकता है। किन वजहों के कारण बताया जा रहा है, कोरोना वायरस की वजह से है, और भी वजहें जानने की कोशिश करेंगे, और अगर टल रहा है तो कब तक टला है, कब शुरू होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इस समय बड़ी खबर आती हुई कि मध्य प्रदेश का विधानसभा का बजट सत्र जो है वो टल सकता है। कोरोना वायरस के चलते देश में कई जगह विधानसभा सत्र स्थगित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस को लेकर स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, टॉकीज बंद की गई है। हम बात कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी से। कोरोना वायरस का असर है, ऐसे में सत्र को स्थगित करने की कोई अभी ऐसी कोई योजना नहीं है ना, विचार है नहीं, लेकिन क्या इस पर विचार, हेल्थ जो रिपोर्ट आएगी उसके अगर ऐसी खतरे की रिपोर्ट आती है, जान बचाना पहले ज़्यादा जरूरी है, लोगों की सुरक्षा करना जरूरी है। जिस तरह से भाजपा ने जो किया है विधायकों को जिस तरह से कैद कर रखा है, अब क्या ये मानते हैं आपकी जो है कांग्रेस बहुमत साबित कर लेगी? पूरी तरह से करेगी, सामने आने पर स्थिति साफ हो जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि अगर हेल्थ रिपोर्ट आती है तो सत्र स्थगित करने पर भी विचार किया जा सकता है, और कांग्रेस बहुमत के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसे भरोसा है कि वो बहुमत साबित कर लेगी। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।